नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज आप ये देख रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक फॉर्म है। तो अगर आप जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी कि इनकी जो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल करते हो, और अब आप किसी भी कारण से जो कि उस एप्लीकेशन को है जो कि बंद करना चाहते हो और उसे यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए जो कि आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। और इस फॉर्म में क्या भरना होगा, कैसे भरना होगा, वो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको एंड तक देखना है, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। पूरा ये फॉर्म भरने का तरीका समझा दूंगा और पूरी डिटेल दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के आपके किसी भी नियर बाय ब्रांच में मिल जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा होगा बीओबी वर्ल्ड, तो आपको देख लेना है, यही फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर। तो देखिए, अगर आप जो कि डी रजिस्टर करना चाहते हैं अपना एम कनेक्ट एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर डी रजिस्टर पे है जो कि आपको टिक कर देना होगा। अगर आप जो कि है जो बैंक अकाउंट है उसे हटाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अगर पिन करना चाहते हैं रीसेट, तो इस लास्ट वाले पे है जो कि क्लिक कर देना होगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ डी रजिस्टर करने का यानी कि बंद करवाने का, तो यहाँ पहले वाले पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर आ जाना होगा नीचे, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में आपको अपना नाम भर देना है। जो भी आपका नाम हो वो आपको है जो कि कैपिटल लेटर्स में ही भरना होगा। जो भी आपका नाम हो वो कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा। उसके बाद नीचे है जो कि 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपका एम कनेक्ट के साथ रजिस्टर्ड है या फिर बीओबी वर्ल्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसको है जो कि आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद ये कस्टमर आईडी का ऑप्शन देख रहे हैं आप, कस्टमर आईडी आपको बता दूं आपके बैंक पासबुक पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको पता ना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं और देख के यहाँ पर लिख देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर है जो कि आपको अपना अकाउंट नंबर भर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि आपको अपना अकाउंट नंबर भर देना होगा। जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट नंबर हो वो आप यहाँ पर देख के भर सकते हैं। अपने पासबुक पर आपको ये भी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के ईजिली है जो कि यहाँ पर ये भर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है जो कि आपको एक कम्युनिकेशन एड्रेस भरने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना है, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो, हाउस नंबर, जो आपका कॉलोनी वगैरह लगती हो वो लिख देंगे आप यहाँ पर, और आपको पूरा एड्रेस भर देना है यहाँ पर। उसके बाद सिटी आ जाएगी आपकी, जो भी आपकी सिटी हो वो भर देंगे, स्टेट भर देंगे यहाँ पर जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद पिन कोड भर देंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर है जो कि आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिख देना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो आप यहाँ पर है जो कि भर देंगे दोस्तों, और एक मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद जो कि आपको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है अच्छे से, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आप। ये देखिए यहाँ पर है जो कि आपको डेट भर देनी होगी, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म है जो कि बैंक में जमा करवाने वाले हैं वो यहाँ पर भर देनी होगी। उसके बाद प्लेस भर देनी होगी, और यहाँ पर है जो कि आपको एक सिग्नेचर कर देना होगा आपका, जो भी आप सिग्नेचर करते हो बस इतना आपको भरना होगा। बाकी जो रह गया है वो आपका है जो कि बैंक में भरा जाएगा, क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है तो उसमें अलग अलग डिटेल्स जाती है। तो ये आप वहाँ पे बैंक में भी भर सकते हैं, या फिर ये जगह है जो कि बैंक वाले ऑफिसर्स की जगह है, वो बैंक देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑफिस यूज़ के लिए जगह है। बाकी यहाँ पर है जो कि आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आप देख सकते हैं पीछे ये लिखा है, इस पर भी आपको कुछ भी नहीं भरना होगा। आप यहाँ पर साइन कर देंगे उसी के साथ है जो कि आपका फॉर्म फिलअप का काम पूरा हो गया है। उसके बाद जो कि आपको ये फॉर्म है जो कि बैंक में ले जाना है और बैंक में जमा कर देना है। और अगर आप डी रजिस्टर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 48 आवर के अंदर है जो कि आपका ये डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसके बाद है जो कि आपके बीओबी वर्ल्ड से है जो कि किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो यही होता है इस फॉर्म में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।